चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। प्रतापगढ़ घंटाघर से 16 किलोमीटर की दूरी पर जौनपुर रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है अजगरा रानीगंज का पौराणिक स्थल। महाभारत काल में पांडवों का कुछ समय इस तालाब के किनारे भी व्यतीत हुआ था। इस स्थान की पौराणिकता के बारे में प्रतापगढ़ हब पर एक वीडियो बहुत पहले प्रकाशित किया गया था। यदि आप देखने को इच्छुक हों तो इस वीडियो के अंत में उसका लिंक आ जाएगा। हर वर्ष 3 दिनों तक चलने वाला यह प्रसिद्ध मेला इस बार 14, 15 एवं 16 सितंबर को संपन्न हुआ। सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोग इस मेले को देखने के लिए यहाँ पर पधारे। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं व पुरुष सभी में इस मेले को लेकर वही उत्साह था जो कभी हमारे बचपन में हमारे भीतर हुआ करता था, क्योंकि इस तरह का मेला बच्चों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहता है। इसलिए बच्चों की रुचि को देखते हुए उनके लिए कई तरह के झूलों का प्रबंध मेले में किया गया। दूसरी तरफ जवान व वयस्क लोगों के मनोरंजन के लिए यौन भार से संतृप्त सुंदर कन्याओं के श्रृंगार रस से उल्लसित नित्य व सम्मोहक भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन मेले का अतिरिक्त आकर्षण रहा। जो चीज चरम पर होती है व्यक्ति उसी की तरफ आकर्षित होता है। जीवन का चरम है मृत्यु का आलिंगन, इसलिए मेले का एक अन्य आकर्षण रहा मौत का कुआं, जहां एक व्यक्ति लकड़ी की फंटियों से बनाए गए गोलाकार कुएं के अंदर अपनी कुशलता से मोटरसाइकिल पर करतब दिखाता है। जिसकी कल्पना न की जाए, यदि वह हमारी आंखों के सामने प्रकट हो तो हतप्रभ एवं आश्चर्यचकित रह जाने की हमारी अवस्था भी हमारे लिए मनोरंजन का विषय बन जाती है। जादूगर कुछ ऐसा ही करता है। इस व्यस्तता के बीच कब शाम हो जाती है इसका आभास नहीं हो पाता। अच्छी स्मृतियों के साथ लोग फिर से अपने घर वापस लौटने के लिए निकल पड़ते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नए संदेश चैनल का नाम है प्रतापगढ़ हब, लेकिन यहाँ पर विज्ञान, आध्यात्म, दर्शन, संस्कृति आदि विषयों पर तर्कपूर्ण एवं रोचक वीडियोज आपको भविष्य में मिलते रहेंगे, जो आपका मनोरंजन करने के साथ साथ आपका ज्ञानवर्धन भी करेंगे। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। जुड़े रहें एवं अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।